भगवान पढ़ाते हैं, ये जानते भी हैं कि हमको इतना ऊंच पद पाना है तो उसमें गफलत थोड़ी करनी चाहिए। खास इस रूहानी पढ़ाई को पढ़ने में माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। और जो पढ़ाइयां होती हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं, वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं, उसमें माया इतने विघ्न नहीं डालती। लेकिन यहां मनुष्य से देवता बनने की जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें माया बहुत विघ्न डालती है। क्यों विघ्न डालती है? क्योंकि यहां घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप की पढ़ाई पढ़ना है। वो पढ़ाइयां होती हैं तो घर गृहस्थ में रह करके थोड़े ही पढ़ते हैं, वो तो बैचलर होकर के पढ़ते हैं। और यहां तो घर गृहस्थ में रहते ही पढ़ाई पढ़नी है। बाप तो पुरुषार्थ करवाते हैं, परंतु तकदीर में भी होना इतना अटेंशन नहीं देते हैं तो बाप भी क्या करेगा। ये तो अपने अपने मन की मौज है, कोई तो बहुत अटेंशन देते हैं, तो जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वो फिर पद भी ऊंच पावेंगे। है तो पढ़ाई, और कोई बात नहीं है। कुमारियां अगर अच्छी रीति ज्ञान लेवे तो बहुत अच्छा उठा सकती हैं। क्यों कुमार क्यों नहीं उठा सकते? अधर कुमारियां क्यों नहीं उठा सकती? अधर कुमार क्यों नहीं उठा सकते? कुमारियां ही इस ज्ञान को बहुत अच्छा क्यों उठा सकती हैं? वो भी अच्छी रीति अगर ज्ञान लेवे तो। ज्ञान उनके दिल की तह तक बैठ जाए तो बहुत अच्छा उठा सकती है। क्यों? कुमारियों में ऐसी क्या खास बात है जो अच्छा उठा सकती है ज्ञान को? हाँ, उनमें बुद्धि पवित्र होती है, उनकी बुद्धि अपवित्र नहीं बनती, इसलिए वो ज्ञान को अच्छा उठा सकती है। बाबा देखे कि ये ज्ञान में बड़ी तीखी है। बाबा अगर ये देखें कि ये कुमारी ज्ञान में बहुत तीखी है तो झट उसको सेंटर संभालने के लिए दे देवे कि लो तुम ये सेंटर संभालो। स्पिरिचुअल नॉलेज कोई जानते ही नहीं है, भक्ति को फिलॉसफी कह देते हैं। अब भक्ति कोई फिलॉसफी थोड़े ही है, भक्ति के शास्त्र तो बहुत हैं, और ज्ञान का तो कोई शास्त्र होता ही नहीं। क्या यहां कोई शास्त्र है? क्या नहीं? मुरलियां हैं, उनका भी शास्त्र नहीं बन सकता। शास्त्र यहां कोई नहीं है। ये ज्ञान जो है ईश्वर का, वो शास्त्रों में बंधा हुआ नहीं है। वो जो होते हैं ज्ञान, वो तो सब पुस्तकों में बांधे जा सकते हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान पुस्तकों का ज्ञान नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान बांधा जा सकता है, ईश्वरीय ज्ञान बांधा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो गायन है, सारे सागर को स्याही बनाओ और सारे जंगल की कलम बनाओ तो भी ये ईश्वरीय ज्ञान कूटने वाला नहीं है। इतना विस्तार का ज्ञान है। नॉलेज ये ऐसी है जो बाप ही मुख से देते हैं, और कोई भी नॉलेज दे नहीं सकता। और मुख से डायरेक्ट देते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट भी मुख से ही डायरेक्ट आकर के सुनाते हैं। वो भी कोई शास्त्र नहीं पढ़ करके सुनाते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं सुनाते। वो क्या सुनाते हैं? है ज्ञान से तो सदगति होती है, वो भक्ति सिखाते हैं, और बाप आकर ज्ञान सिखाते हैं। ज्ञान माना सच्चाई की जानकारी, असलियत की जानकारी देते हैं। आत्मा सुनती है, बाकी तो कोई में नॉलेज होती नहीं है।
ज्ञान कोई में भी नहीं हो सकता है सिवाय एक बाप के। सारी दुनिया अज्ञानी, और ये ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर, और कोई युग में ये ज्ञान मिलता भी नहीं। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए, और फिर पक्का योगी बन जावे, पक्का योगी बन करके फिर शादी करे, तो विकर्म विकार विनाश होवे। हैं? ये क्या बोला? पक्का योगी बन जावे, और कच्चा योगी अगर शादी कर ले भी, तो क्या होगा? तो नीचे गिरेगा ऊपर उठेगा? नीचे गिर जाएगा। जो पक्का योगी होगा वो कब किसी को दुख नहीं दे सकता। क्या कच्चा योगी होगा तो शादी करेगा और काम विकार का दुख देना शुरू कर देगा। पक्का योगी होगा तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेगा और दुख नहीं दे सकता। योग बल में इतनी ताकत है क्या कि काम और क्रोध को पूरा ही कंट्रोल कर सकता है, काम विकार को पूरा भस्म कर सकता है। योग बल में पूरा रहे तो एमसी भी बंद हो जाएगी, डिस्चार्ज होगा ही नहीं। क्या शक्ति क्षीण होगी नहीं, क्योंकि अशरीरी होकर के जो रहते हैं ना उनमें ये ताकत आ जाती। पुरुषों को स्वप्न दोष होना बंद हो जाता और स्त्रियों को एमसी होना बंद हो सकती। बाप को याद करना ये बहुत बड़ा भारी बल है, साधारण बल नहीं है। योग बिगर ये कमजोरियां छोड़ेंगी नहीं। कौन सी कमजोरियां? काम की कमजोरी आती है, काम विकार की, क्रोध विकार की कमजोरी आती है। तो कमजोरी ना, बल नाम दे देते हैं माया, पांच विकारों की माया है, लेकिन है क्या चीज? हमारे अंदर की आत्मा की कमजोरी ही तो है। योग बल होने से, जिनमें योग बल होगा उनके लिए कोई तकलीफ नहीं हो सकती। क्या तकलीफ? तब तक है जब तक योग बल नहीं आया। विश्व का मालिक बनते हो तो तकलीफ कैसे आवेगी? सभी कर्म इंद्रियां बस में रखनी है। ऐसे नहीं कि एक दो इंद्रियां बस में हो जाए और दो चार कर्म इंद्रियां बस में न रहे, नहीं, सारी कर्म इंद्रियां बस में रहे। बाप सी मत देते हैं, इस ज्ञान को समझो और दूसरों को समझाओ। ये राजयोग की बात, इस राज को समझो और दूसरों को समझाओ। बाकी ज्ञान है ही रचयिता और रचना को जानना। बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं, किस लिए आया हुआ हूं? पक्का है कि मैं आया हुआ हूं तो कोई मकसद लेके आया हूं? क्या मकसद लेके आया हूं? तुमको वापस ले जाऊंगा। क्या ज्ञान दे करके ही नहीं, संपूर्ण बना करके वापस लेके जाऊंगा। कोई आत्मा अधूरी वापस परमधाम नहीं जा सकती। नहीं जावेंगे तो जबरदस्ती भी ले जाऊंगा, मारपीट के भी ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं। तो क्या करना है? बिना मारपीट जाना।
ये लड़ाई भी सामने खड़ी है। महाभारी महाभारत गृह युद्ध जिसे बताते हैं, खून की नदियां बहेंगी, ये लड़ाई सामने खड़ी है। यादवों कौरवों का विनाश होना बहुत जरूरी है, ये नहीं कहा पांडवों का विनाश होना जरूरी है, यादवों का और कौरवों का विनाश होना बहुत जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है? क्योंकि यादव और कौरव ये पूरा ज्ञान उठाने वाले नहीं है, ये ईश्वरीय ज्ञान का तिरस्कार कर देते हैं और अपने ही देह अहंकार में रहते हैं, इसलिए इनका विनाश हो जाएगा। तुम्हारे पद का तो विनाश होगा नंबर वार, लेकिन तुम्हारा विनाश नहीं होना है। पांडव जो हैं वो पुनर्जन्म लेकर के राज्य करेंगे नई दुनिया में, पांडव पुनर्जन्म लेंगे और नई दुनिया में राज्य भी करेंगे। समय तो लगता है ना, किस बात में, ये दुनिया उथल पाथल होने में टाइम तो लगता है ना, ऐसे थोड़े ही कि हथेली पे आम जम जाएगा, नहीं। तुम इस पढ़ाई से राज्य पद पाते हो, क्या कहा, बाप की पढ़ाई से राज्य पद पाते हो, इसी जन्म में पाते हो या अगले जन्म में, यही पढ़ाई पढ़ते हैं और यही उसकी प्रारब्ध पाते हैं। ये राजयोग की पाठशाला है, हठ योग की पाठशाला नहीं है, राजयोग की पाठशाला। इसमें राज बहुत है, वेद शास्त्र आदि सुनाना वो सब है भक्ति मार्ग की पाठशाला है, और ये है राजयोग की पाठशाला। वो मनुष्य पढ़ाते हैं हठ योग आदि, और यहां राजयोग बाप बैठ पढ़ाते हैं। यहां तो रूहानी बाप है ना, ऐसी अवस्था हो जो पिछाड़ी में कोई की भी याद ना आवे, अभी ऐसी अवस्था है, थोड़ी देर याद में बैठते हैं तो दो पांच मिनट ज्यादा से ज्यादा बुद्धि टिकती है, और फिर कोई न कोई के पीछे बुद्धि भाग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों होता है, बुद्धि टिकती क्यों नहीं है? माया बायलोरा तो डालती है, तो क्यों डालती है माया बायलोरा? क्योंकि 63 जन्मों के हिसाब किताब हमने ही तो बांधे हैं, जिन जिन आत्माओं के साथ, चाहे स्त्री रूप हो चाहे पुरुष रूप हो चाहे वस्तु के रूप में हो, जिन जिन के साथ हमने हिसाब किताब बांधा हुआ है, वो हिसाब हमको खींचता जरूर है। अभी शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, वो आत्माएं संकल्पों में हमारे सामने आ जाएंगी, माया का रूप बनकर के सामने आ जाती है। कोई के सामने माया रूपी स्त्री रूप धारण करके आती है, और कोई के सामने रावण रूपी पुरुष रूप धारण करके आती है, आती जरूर है। परंतु तुमको ऐसा पुरुषार्थ करना है कि अंत में कोई भी याद ना आवे, अनासक्त होकर के बच्चों आज की संभाल करनी है, आसक्ति पूर्वक बच्चों की संभाल नहीं करनी है, बच्चों में लगाव पूर्वक संभाल नहीं करनी है। कैसे संभाल करनी है, अनासक्त होकर। शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा की गीता पाठशाला है, जैसे गीता पाठशाला में टीचर होती है, बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं, कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, तो परेशान थोड़ी ही होती है। तो ऐसे ही बच्चों की संभाल करनी है, कोई भी विघ्न पड़े तो हिलो मत, विघ्न आया
और हिलने लगे, इसका मतलब अनासक्त होकर के पुरुषार्थ नहीं करते। बाप कहते हैं ये जो विघन रूप बनते हैं ना, ऐसे समझो ये सब मरे पड़े हैं। क्या सब मरे पड़े हैं, इनसे दिल नहीं लगानी है। इनसे अगर अपनी दिल लग जाएगी तो फिर निस्तार नहीं है। ये तो रोगी पापी और छी छी दुनिया है। अभी इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है, इस दुनिया के भातियों से भी दिल नहीं लगानी है। दिल किससे लगानी है? बाप से दिल लगानी है, बाप के घर से दिल लगानी है, बाप जो नई दुनिया बनाने आया है उस नई दुनिया से दिल लगानी है। वहां जाना है ना, वेद शास्त्र आदि जो कुछ भी पढ़े हुए हो उन सब को भूलते जाओ। वो पंडिताई जो बुद्धि में भरी पड़ी है 63 जन्मों की, वो सब भूलते जाओ। सिर्फ बाप को और चक्कर को याद करना है। जो चक्र बाप समझाते हैं वो चक्र कोई भी शास्त्रों में उसकी समझानी नहीं दी हुई है।